तो यहां पे आपको सिर्फ ये दोनों को कंपेयर करना है कि यहां पे कौन सी वैल्यू मेरी ज्यादा है। दोस्तों पेश हूं आपके सामने मोस्ट अवेटिंग वीडियो लेकर के। आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको अपना खुद का घर लेना चाहिए या आपको रेंट पे रहना चाहिए। ये सब तुक्काबाजी नहीं चलेगी, अभी आपको पूरा कैलकुलेशन के साथ एक्सेल शीट के अंदर दिखाने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो अगर आप खुद का घर लेने का सोच रहे हैं या फिर रेंट पे रहने का सोच रहे हैं, एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये सारी चीज को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं जो खुद से डेवलप किया हुआ है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं इस कैलकुलेटर के ऊपर में। तो ये जो कैलकुलेटर है इसमें आपको जितने भी येलो पोर्शन दिख रहे हैं इसके अंदर ही फिगर डालनी है। घबराइए मत, ये पूरा कैलकुलेटर फ्री में आपको देने वाला हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन उसको पहले कैसे चलाना है वो थोड़ा सा सीख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये खुद का मेरा केस स्टडी लेने वाला हूँ, बहुत ही प्योर केस स्टडी है, कोई यहाँ पे एजम्पशंस नहीं चलने वाला है। तो मैं खुद का केस स्टडी ले रहा हूँ, मुझे जहाँ पे रहना है वहाँ पे अभी मैं किस हाल में हूँ और किस हिसाब से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एनालिसिस पीरियड जनरली जो होता है वो 20 साल के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं। कोई भी नया एसेट भी जो हम लोग खरीदते हैं 20 साल की उसकी लाइफ होती है, उसके बाद में वो एसेट की कोई वैल्यू आती नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे 20 ईयर्स, और इसके साथ में यहाँ पे दो कंपैरिजन है, एक साइड है रेंटिंग वाला और एक साइड है बाइंग वाला। तो सबसे पहले चलिए रेंटिंग वाला ऑप्शन देख लेते हैं कि जहां पे आज के दिन में मैं रह रहा हूं तो उसका मंथली रेंट यहाँ पे क्या है वो डालना है, इंक्लूसिव ऑफ मेंटेनेंस। अगर आप जहां पे रहते हैं वहां पे 200 300 या 500 रुपए पर मंथ का रेंट है तो आप उसको भी यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए। मेरा यहाँ पे 6500 रुपए पर मंथ का जो रेंट है प्लस 500 रुपए का मेंटेनेंस है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा 7000 रुपए। इसके साथ मेरा एचआरए बेनिफिट कितना मिलता है, अगर मैं जॉब करता हूं तो आपको पता होगा कि आपको एक एचआरए बेनिफिट भी मिलता है जिसको आप टैक्स रिबेट में कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये डालना है कि एचआरए कितना, आपका जो स्लैब है वो कितने का है, 10% स्लैब में है, 20% या 30% स्लैब में है। मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि आप 20% स्लैब में हाल की डेट में है, तो इस हिसाब से यहाँ पे पूरी चीज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाने वाली है। तो इफेक्टिव मंथली रेंट आपका कितना आया, 5600 रुपए, ये किस हिसाब से आया, तो यहाँ पे जो 20% है वो आपके माइनस हो जाते हैं क्योंकि आपको उतना एचआरए रिबेट मिलता है। तो इस वजह से आपका जो इफेक्टिव रेट आया वो आया 5600 रुपए। तो एनुअल रेंट 5600 मल्टीप्लाइड बाई 12 कर देंगे तो आपको एनुअली मतलब सालाना आपको 67200 रुपए देने पड़ेंगे आपको घर हायर करने के लिए। अब यहां पे बात करते हैं एनुअल रेंट इंक्रीज, ये यहां पे येलो बॉक्स में हमको डालना है। तो एनुअली आपका रेंट कितना बढ़ता है वो प्योरली डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, लोकेशन टू लोकेशन, सिटी टू सिटी। तो आपके वहां पे कितना बढ़ता है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर साल जो आपका ओनर है वो रेंट बढ़ाए, 2 साल 3 साल पे एक बार रेंट बढ़ाता है, बट आपको उसका ऑनलाइन एवरेज कर देना कि हर साल आपका कितना रेंट बढ़ता है। मेरे केस में यहाँ पे हर साल में 6% रेंट बढ़ता है, तो मैं यहाँ पे 6% डाल दूंगा। तो इस हिसाब से अगर मैं 3 फिगर डालूंगा तो मुझे यहाँ पे टोटल रेंट फॉर एनालिसिस पीरियड यानी कि 20 साल में मैं टोटल रेंट दूंगा 24,71,992 रुपए का, ये मेरा टोटल रेंट मुझे देना पड़ेगा। चलिए अब दूसरी साइड पे एक केस स्टडी देख लेते हैं कि अगर मुझे यही घर जहां पे मैं रह रहा हूं वही सेम घर अगर मैं खरीद लेता हूं तो क्या सिचुएशन बनती है। तो यहां पे करंट वैल्यू वो घर की कितनी है आपको मार्केट में तपास करना पड़ेगा, बट मेरा जो घर है मैं जहां पे रह रहा हूं उस घर की जो वैल्यू है इसके अंदर अगर मैं खरीदता हूं और उसके बाद में जो स्टैंप ड्यूटी है, जीएसटी है, वो सब मिलाता हूं तो मेरी घर की वैल्यू अभी हाल के दिन में पड़ रही है 17.5 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे 17.5 लाख रुपए डाल दूंगा। अब जनरली अगर आपको वो घर खरीदना है तो आपको एक डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, बाद में बाकी का जो अमाउंट है वो लोन पे जाता है। तो वो डाउन पेमेंट जो होता है 10-20% होता है, मेरे केस में वो डाउन पेमेंट होगा अराउंड 3 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे 3 लाख रुपए डाल दूंगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया लोन का अमाउंट। अभी लोन आपको कराना है 14,50,000 रुपए का, इतना लोन आपको कोई भी बैंक से मिल जाने वाला है अगर आप 20% स्लैब में है तो। अब लोन का इंटरेस्ट रेट आज के दिन में क्या चल रहा है, मैं यहाँ पे एकदम वर्स्ट केस डाल देता हूँ, जो बड़ी बड़ी बैंक है वो जनरली ये 7.7-7.9% के हिसाब से मिलता है, अगर आप SBI में जाते हैं तो आपको 7% से अंदर में भी मिल सकता है। तो उस हिसाब से आप ये रेंट जो है इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बाकी की फिगर जो है कैलकुलेट हो गई है, एक्चुअल EMI आपका कितना आया। अब ये एक्चुअल EMI जो है वो ये दर्शाता है कि आपका जो टोटल 14.5 लाख रुपए आपको भरने हैं उस हिसाब से बैंक
आपका बैंक से, आपका अकाउंट से कितना पैसा कटेगा, वो काटेगा 12,038 रुपए, इतना पैसा आपका हर महीने बैंक से कटेगा। अब आप टैक्स स्लैब 20%, जैसा कि आपको बताया यहां पे आपने जो फिगर भरी है सेम फिगर आप यहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, अगर आप 20% स्लैब में है तो आपको यहां पे भी टैक्स रिबेट मिलता है अप टू 2 लाख तक। हम लोग यहां पे ये नहीं ले रहे कि 2 लाख के बाद क्या, बट मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि यहां पे मेरा जो अमाउंट है वो टोटल 2 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये जो 20% स्लैब मेरा टैक्स ब्रैकेट आया तो मुझे यहां पे भी ये रिबेट मिलेगा और मेरा एक्चुअल लोन इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 6.3%। 20% मैं यहां पे माइनस करूंगा तो मेरा इफेक्टिव ईएमआई जो आया वो आया 10,658 रुपए। 12,000 का मेरा पैसा कट रहा है हालांकि मुझे टैक्स रिबेट मिल रहा है, तो यहां पे मेरा इफेक्टिव ईएमआई मिल रहा है 10,658 रुपए। तो यहां पे टोटल इंटरेस्ट आपने कितना पे किया, आपने एक जो प्रॉपर्टी की प्राइस है 17.5 लाख वो तो आपने पे कर दी, लेकिन उस हिसाब से आपने जो बाकी का अमाउंट जो इन्वेस्ट कराया है, फाइनेंस कराया है, तो उसका इन्वेस्टमेंट, उसका जो इंटरेस्ट है वो आपने भरा 11,07,839 रुपए। ठीक है, ये हम लोग एक पार्ट कर देते हैं यहां पे, ये पूरा कैलकुलेशन समझ लीजिए, टोटल इंटरेस्ट आपका इतना आया। अब चलिए मानते हैं ये प्रॉपर्टी तो आपने खरीद ली, अब ये प्रॉपर्टी पे भी एक मेंटेनेंस लगेगा, मेंटेनेंस एवरी मंथ कितना कटेगा, जनरली ये प्रॉपर्टी पे मेरा 500 रुपए कट रहा है तो मैं ये डाल देता हूं, एनुअल इंक्रीज इन मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस में भी थोड़ी बढ़ोतरी होती है, हालांकि हर साल नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा टाइम पे होती है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि 5% हर साल मेरी बढ़ोतरी हो रही है, तो उस हिसाब से टोटल मेंटेनेंस ड्यूरिंग एनालिसिस पीरियड 20 साल में आप टोटल मेंटेनेंस भरेंगे ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए। तो टोटल कॉस्ट आपका कितना हो गया ये प्रॉपर्टी का, 20 साल अगर आप ये प्रॉपर्टी लेते हैं और चलाते हैं, मतलब कि वो घर में रहते हैं, मेंटेनेंस भरते हैं, तो आपको टोटल कॉस्ट आपका आया 30,56,000 रुपए। इसमें 3 चीजें जोड़ी गई है, पहली तो है प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू 17.5 लाख, दूसरी है टोटल इंटरेस्ट पेमेंट जो आपने भरा जो बैंक को चला गया वो 11 लाख, और तीसरा है मेंटेनेंस जो आपने भरा ओवर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स। तो वो टोटल तीनों मिला के यहाँ पे टोटल आ गया 30,50,000 रुपए, अगर आप ये प्रॉपर्टी ओन करते हैं, मतलब खरीद लेते हैं, तो आपको भरना पड़ेगा। अब चलिए मान लेते हैं यही प्रॉपर्टी 20 साल के बाद आप बेचने जा रहे हैं, आप बेच रहे हैं 20 साल के बाद, तो वो उस टाइम पे उसकी क्या वैल्यू आएगी, तो उसके लिए यहां पे एनुअल एप्रिसिएशन का एक नंबर्स डाला हुआ है, ये आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया टू एरिया, सिटी टू सिटी ये अलग अलग हो सकता है, कि कोई एरिया ऐसा होता है जहां पे प्रॉपर्टी की वैल्यू एवरी ईयर अच्छी खासी बढ़ती है, और कोई ऐसा एरिया होता है जहां पे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है, बट 6-7% तक बढ़ती है। वो डिपेंड करता है आपका एरिया किस लोकेशन पे है और वहां पे फ्यूचर में क्या प्लान है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरा जो घर है उस हिसाब से मैं ऑन एन एवरेज 6% पकड़ के चल रहा हूं, तो 6% आप जैसे यहां पे डालेंगे आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी प्रॉपर्टी की, तो जब 20 साल के बाद में आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे 56,00,000 रुपए। तो इस हिसाब से नेट सेविंग आपकी कितनी हो गई यहां पे, तो 56,00,000 रुपए में आपने प्रॉपर्टी बेची और आपने टोटल लगाए 30,50,000 रुपए, इसको माइनस कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 25,50,000 रुपए आपने कमाए ये प्रॉपर्टी से। अगर आप ये खरीद लेते हैं, इस पे रहते हैं और 20 साल बाद इसको बेच देते हैं, तो आप 25,50,000 रुपए मुनाफा कमाएंगे या आप प्रॉफिट कमाएंगे। अब यही सेम एग्जांपल चलिए अब यहां पे ले लेते हैं हम लोग रेंटिंग का, तो फॉर्मूला समझ लिया था, टोटल रेंट आपको ऑलमोस्ट 25,00,000 रुपए चला जाएगा ये सेम प्रॉपर्टी पे। अब यहां पे आते हैं रिटर्न ऑन सेविंग, यहां पे कुछ सेविंग भी आपका हो रहा है, क्योंकि आप यहां पे डाउन पेमेंट नहीं भर रहे हैं, आपने कुछ फर्नीचर का कॉस्ट लिया वो आप नहीं भर रहे हैं, तो आपको वो यहां पे सेविंग मिल जाएगा, और वो जो पैसा है वो डायरेक्टली आप कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे डाउन पेमेंट हमने कितना भरा, 3 लाख, सीधा ऑटोमेटिक यहां पे आ जाएगा। आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो पूरा एक डब्बा मिलता है, और डब्बे में कुछ आप अलग अलग कलर कराते हैं या फर्नीचर कराते हैं, तो उसका एक इनिशियल कॉस्ट हमको यहां पे पकड़ना पड़ेगा। मेरे केस में यहां पे कॉस्ट है 1,00,000 रुपए, तो मैं यहां पे डाल दूंगा, तो मेरा टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 4,00,000 रुपए। भैया 4,00,000 रुपए मेरे बच जा रहे हैं यहां पे, अगर मैं ये लेता तो मेरे नहीं बचते, यहां पे मेरे पूरे बच जाते हैं, क्योंकि जो रेंट पे आप प्रॉपर्टी लेते हैं उसमें आप फर्नीचर नहीं कराते हैं जनरली, तो इतने पैसे आपके बढ़ जाएंगे। ये जो 4,00,000 है इसको आपको लमसम कर देना है, अब बताऊंगा आगे में थोड़ा। अब चलिए नेक्स्ट वाला पोर्शन समझ लेते हैं, ये मंथली सेविंग फ्रॉम रेंट, आप दूसरे तरीके से भी एक सेविंग कर रहे हैं। कैसे सेविंग कर रहे हैं, आप यहां पे एक्चुअल ईएमआई दे रहे हैं प्लस रेंट दे रहे हैं। आप ये टोटल कितना पैसा दे रहे हैं, 12,538 रुपए आप यहां पे दे रहे हैं,
लेकिन ये केस में आप दे रहे हैं सिर्फ 7,000 रुपए, इसका मतलब है कि जो बाकी का अमाउंट है वो एवरी मंथ आपका बचने वाला है। अगर आप खुद का घर लेते तो आपको इतना ज्यादा पैसा देना पड़ता, तो वो कितना अमाउंट होता है, वो अमाउंट होता है आपका 5,538 रुपए यहां पे, और माइनस 7,000 करेंगे तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। तो ये जो 5,500 रुपए आपके बच रहे हैं हर महीने, ये भी एक तरह से आपका सेविंग ही है। ये जो आपका सेविंग है इसको आपको इनिशियली जो आपका एक डाउन पेमेंट वगैरह जो इनिशियली अमाउंट आपका बचा और आप जो मंथली सेविंग कर रहे हैं उसके ऊपर में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको यहां पे डालना है। अब इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा जब आप निकालेंगे वो कंसीडर हमने नहीं किया है, क्योंकि इसका एक बिग एक लिमिटेशन होता है कैलकुलेटर का। तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, हम लोग टैक्स काटने के बाद में जो अमाउंट हमारा परसेंटेज आता है उसको ही हम लोग यहां पे लिख रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूं, चलिए 12% ऑन एन एवरेज मुझे लंबे टाइम तक 20 साल तक मैं इन्वेस्ट करता हूं, 12% मुझे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है, तो उसमें से मैं 4% स्ट्रेट अवे निकाल देता हूं, वो मेरा पूरा जो पैसा है वो टैक्स में चला जाएगा, और इफेक्टिव जो मुझे रिटर्न मिला वो 8% लेके ही चल रहा हूं, एकदम सेफ है हम लोग चल रहे हैं। तो 8% मैं यहां पे डाल दूंगा। अब यहां पे मुझे दो टाइप से फायदे हो रहे हैं, तो मेरा जो यहां पे 4 लाख का एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा पैसा बच गया, ये तो मेरा हाथ में ही अभी, तो इसको मैं डायरेक्ट लमसम कर दूंगा इक्विटी के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर या डायरेक्ट शेयर के अंदर। तो मुझे यहां पे 20 साल के बाद मेरे ये 4 लाख हो जाएंगे 18,64,000 रुपए, और मेरा एक मंथली पैसा भी बच रहा है 5,500 रुपए, तो इसको मैं मंथली एक SIP करा दूंगा, तो यहां पे 20 साल के बाद ये जो SIP की वैल्यू है वो हो जाएगी 32,62,000 रुपए। ये दोनों को मिलाएंगे तो आपका टोटल कॉर्पस हो जाएगा 20 साल के बाद 51,26,000 रुपए। अब ये तो आपने पूरा पैसा कमाया, माइनस आपने कितना रेंट दिया 24,71,000 रुपए, तो ये दोनों को मैं माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 26,54,560 रुपए। ये मेरा टोटल सेविंग हो गया अगर मैं रेंट में जाता हूं। तो यहां पे आपको सिर्फ ये दोनों को कंपेयर करना है कि यहां पे कौन सी वैल्यू मेरी ज्यादा है, जो ज्यादा है वो उसमें फायदा है, आपको उसको कंसीडर करना है। अब यहां पे एक मजे की बात आपको बताता हूं कि यहां पे जैसे मेरे केस में ये दोनों सेम आ रहा है, तो मुझे अगर प्रॉपर्टी लेना भी है तो मैं कंसीडर कर सकता हूं। यहां पे एनुअल एप्रिसिएशन मैंने पकड़ा है 6%, लेकिन मान लेते कि एनुअल एप्रिसिएशन आपके केस में 8% है या आपके केस में 10% आया, तो इस हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो यहां पे मुझे बहुत फायदा मिल सकता है। लेकिन मेरे केस में ये 5-6% है, और ये पूरा डिपेंड करता है कि मार्केट आजू बाजू का मार्केट में कितना ग्रोथ हो रहा है और इस हिसाब से कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है मार्केट के अंदर, उस हिसाब से ये प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। तो ये एक लायबिलिटी, अगर आप घर खरीदते हैं आपके ऊपर एक लायबिलिटी है, लेकिन अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं है, सारा पैसा आपके पास लिक्विड में है, तो आप कभी भी इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक केस है, और जब भी आप यहां पे कोई भी चीज डालते हैं, जैसे 7,000 रुपए पर मंथ मैंने डाला है, तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, मतलब कि आपका जितना भी कंज्यूमेबल का कॉस्ट है वो नहीं डालना है, क्योंकि वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, इसके लिए वो चीज आपको यहां पे नहीं डालनी है। दोस्तों ये जो एग्जांपल मैंने लिया है स्पेसिफिक गुजरात का एग्जांपल है, यहां पे प्रॉपर्टी के प्राइस कुछ कुछ एरिया में काफी कम है और वहां पे रेंट भी कम है, तो इस हिसाब से यहां पे मुझे मेरा जो कंपैरिजन है उस हिसाब से मैं अभी यहां पे रेंटिंग कंसीडर कर सकता हूं। लेकिन आपका केस अलग हो सकता है, आप दूसरी सिटीज में रहते हैं वहां पे प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत ज्यादा है, जैसे मुंबई की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो वहां पे प्रॉपर्टी के प्राइस भी ज्यादा होते हैं और रेंट भी ज्यादा होता है। तो आपके केस में क्या सिनेरियो हो सकता है इसका कैलकुलेशन आप जरूर करें जब भी आप अगर प्रॉपर्टी बाय करने का डिसीजन बना रहे हैं, तो क्योंकि एज अ इन्वेस्टमेंट भी है और एक लायबिलिटी भी है। और ये पूरा कैलकुलेटर आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं, नीचे में लिंक आपको मिल जाएगी, उस लिंक से आप ये कैलकुलेटर का एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसके हिसाब से अपने पूरा सिनारियो जो है अपने हिसाब से डाल के एक बार जरूर चेक करें। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपके लिए क्या सिनारियो रहा और आपके लिए ये कैलकुलेटर कैसे फायदेमंद रहा। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आशा करता हूं आपको वीडियो का कंटेंट बहुत ही मजेदार लगा होगा, इसकी में बहुत मेहनत लगी है, तो इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही नए वीडियो में इस चैनल पर लाता रहता हूं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।